हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार हर माह का अंतिम दिन पूर्णिमा होता है। पूर्णिमा के बाद नए माह की शुरुआत होती है। पूरे साल में 12 पूर्णिमा आती हैं। शास्त्रों में चैत्र माह की जो पूर्णिमा है, इसका बहुत ही खास महत्व बताया गया है। ये हिंदू वर्ष की पहली पूर्णिमा होती है और इसी दिन हनुमान जी का जन्म भी हुआ था। चैत्र पूर्णिमा को चैत्र पूर्णिमा या चैत्र पूर्णिमाशी के नाम से जाना जाता है। इस तिथि के स्वामी चंद्रदेव हैं। इस दिन स्नान, दान, व्रत और चंद्रदेव की पूजा बेहद लाभकारी होती है। तो आज हम जानेंगे साल 2022 के चैत्र पूर्णिमा की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले बहुत ही सरल और अचूक उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों, आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं चैत्र पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2022 में चैत्र पूर्णिमा का व्रत 16 अप्रैल शनिवार के दिन रखा जाएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 16 अप्रैल प्रातःकाल 2:25 पर और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 17 अप्रैल प्रातःकाल 12:24 पर। स्नान दान की जो पूर्णिमा है वो 17 अप्रैल को है। चंद्रोदय का समय है 16 अप्रैल शाम के 6:27 पर। आइए अब जानते हैं पूर्णिमा की पूजा विधि। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु जी की पूजा और व्रत उपवास करके रात्रि में चंद्रमा की पूजा करें और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण करें। पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर किसी पवित्र नदी में या सरोवर में स्नान करें या फिर घर पर ही आप नहाने वाले जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और सूर्य देवता को जल का अर्घ्य दें। यदि नदी में आप स्नान नहीं कर सकते हैं तो जो मैंने बताया, आप घर पर ही नहाने वाले जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लीजिएगा और फिर व्रत करें, व्रत का संकल्प लें और भगवान सत्यनारायण की पूजा करें। पूरे दिन व्रत करने के बाद रात्रि में जब चंद्रमा उदय होते हैं तो चंद्रदेव के दर्शन करें और पूजा करें। चंद्रमा को दूध मिले हुए जल का अर्घ्य देकर किसी ज़रूरतमंद को दान आदि करके व्रत संपन्न करें। आइए अब जानते हैं पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा पर किए जाने वाले उपाय। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है। इस दिन किए गए उपाय बहुत ही कारगर माने जाते हैं। चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती को बिलपत्र अर्पित करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो चैत्र पूर्णिमा के दिन आप व्रत रखते हैं तो भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ माता पार्वती और भगवान शंकर की पूजा अवश्य करें और बिलपत्र अर्पित करें, क्योंकि ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। पूर्णिमा की रात को चंद्रोदय के बाद चंद्र दर्शन करके चंद्रमा को दूध मिले हुए जल का अर्घ्य देकर शुद्ध घी का दीपक जलाएं और खीर का भोग लगाएं। ऐसा करने से मनोकामना पूरी होती है। और चैत्र पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी जी का पूजन जरूर करें, उन्हें हल्दी की गांठ अर्पित करें। पूजा के बाद इस हल्दी की गांठ को अपने धन रखने वाले स्थान पर रख दें, अपने लॉकर में रखें। और पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, इसलिए ऐसे में अगर आप
पूर्णिमा की सुबह पीपल के पेड़ में मीठा जल अर्पित करते हैं तो माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। लाइक करने में दोस्तों पैसे खर्च नहीं होते हैं, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।